माँ सुनैना समझा रही है सिया, अतिथि सत्कार करती रहना, संध्या मत छोड़ना, भगवान का चिंतन, भगवान का धन्यवाद जरूर करना, ब्रह्म यज्ञ रचाना, देव यज्ञ रचाना, अग्निहोत्र मत छोड़ना बिटिया, तेरा घर स्वर्ग बनेगा, तेरा घर स्वर्ग बनेगा। लोगों मेरी माताओं बहनों, इतने सुंदर सुंदर उपदेश देकर के विदा कर रही है, विदेहराज जनक, विदेह कहलाते थे, पर एक तरफ पीठ फेरे हुए खड़े हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कैसे विदा करूंगा मैं अपने जिगर के टुकड़े को, कैसे विदा करूंगा। सोच रहे हैं, ऐसा करता हूं मैं यहीं पीठ फेरे खड़ा रहता हूं, बाकी सब लोगों से सिया मिलकर के चली जाएगी, मुझसे मिलेगी, मैं रोऊंगा तो वो बहुत ज्यादा रोएगी, बहुत ज्यादा रोएगी, इसलिए पीठ फेरे हुए खड़े हैं। पर माताओं बहनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा कब संभव है कि बेटी विदा होकर के जा रही हो और वो अपने पिता के हृदय से लगे बगैर चली जाए, मिले बगैर चली जाए। अरे मैंने तो ऐसी बेटियों को देखा है, पिता नहीं रहे, पर जब वो विदा होकर के जा रही हैं तो दुल्हन के जोड़े में सजी हुई अपने पिता के फोटो के सामने खड़ी होकर के, अपने पिता की तरफ देख करके आंखों से अश्रुधार बहा करके कहती है, पिता देखो देखो, आज आपकी परी, आज आपकी सोन चिरैया दुल्हन बन गई है, आप होते तो कितने आशीर्वाद देते मुझे पिता, कितने आशीर्वाद देते। आज सब संबंधी आए हुए हैं, आज सब रिश्तेदार आए हुए हैं, पर पिता आप नहीं हो तो मैं जानती हूं कि मेरे जीवन में कितना खालीपन है, मेरे जीवन में कितना खालीपन है। ऐसा कब संभव है कि पिता से मिले बगैर बेटी चली जाए, इसलिए पीछे जाकर के खड़ी हो गई और जाकर के धीरे से बोली, पिता आज अपनी वैदेही को साम्राज्य बनने का आशीर्वाद नहीं दोगे, आज अपने हृदय से लगा करके मुझे आशीर्वाद दे करके विदा नहीं करोगे। ओहो, पलट करके महाराज जनक ने अपनी लाडली बिटिया को हृदय से लगा लिया, झरझर झरझर आंखों से आंसू बह रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, सिया हो मजबूर मुझको समय ने रुलाया, तथापि मैं खुश हूं ये शुभ दिन है आया, समय है कि कुछ तुझे को उपहार दूं मैं, न एक बार ही बल्कि सौ बार दूं मैं, न दूंगा तो हो जाएगी बात हेटी, तो ले कुछ न कुछ तुझे को देता हूं बेटी, न हीरे न मोती न अनमोल मन के, नहीं अंग भूषण ये भूषण है मन के, ससुर हो या भरतार के ज्येष्ठ भ्राता,
जेठानी हो या सास का जिन से नाता, उन्हें तो समझना पिता और माता। कि संतोष हो तुझ कोए मेरी जाता, सुता देव रानी है सुत तुल्य देवर, यही तो है कुलवान कन्या का जेवर। अगर ये अलंकार स्वीकार होगा तो इससे ही तेरा बेड़ा पार होगा। है जगदीश से प्रार्थना ये हमारी, है जगदीश से प्रार्थना ये हमारी, सुहागन रहे तू सदा हे दुलारी, सुहागन रहे तू सदा हे दुलारी। सुंदर उपदेश विदेह राज जनक दे रहे हैं और ये कह रहे हैं सिया बेटी देहरी का दिया होती है। समझते हैं ना आप देहरी का दिया, दहलीज पर जो रखा हुआ दिया है घर के, घर के बाहर भी प्रकाश देता है और घर के अंदर भी प्रकाश देता है। इन बेटियों को भी देहरी का दिया कहा जाता है, ये दो कुलों को रोशन करती है, एक पितृकुल को रोशन करती है और दूसरा पति कुल को रोशन करती है। कभी पंक्तियां लिखी थी मैंने, विदा करते हुए विदेहराज जनक कह रहे थे कि देहरी का दिया बेटी कहावत ये पुरानी है, दो कुलों की सीता, अब तुमको निभानी है। देहरी का दिया बेटी, और जरा पंक्तियां सुनिएगा, बड़े विहल होकर के यूं बोले सिया मेरी पगड़ी को देख बिटिया। राजा जनक की पगड़ी का तुझे मान बढ़ाना है, सुने ना की लाडली सुन, कुल को चमकाना है, सुने ना की लाडली सुन, कुल का चमकाना है। अब पिता राजा दशरथ है, माँ कौशल्या रानी है, दो कुलों की लाज लाडो, अब तुझको निभानी है। देहरी का दिया बेटी, तेरे पिता विदेहराज जनक की पगड़ी, इसकी लाज अब तेरे हाथों में सौंपता हूं बिटिया। तू मेरी बहुत योग्य बेटी है, तेरी जैसी बेटी को प्राप्त करके मेरा मस्तक स्वाभिमान से ऊंचा हो गया। सिया मैं धन्य हो गया, बेटी मैं धन्य हो गया।
पर इस पगड़ी का ख्याल रखना मेरी लाडली। जैसे अब तक इस पगड़ी को बेदाग छोड़ करके जा रही है, आगे भी इस पगड़ी पर कोई दाग न लगने पावे। राजा दशरथ की पगड़ी पर कोई दाग लगाना लाडो, तो तेरे पिता विदेहराज जनक की पगड़ी स्वतः दागिल हो जाएगी, स्वतः दागिल हो जाएगी। इसलिए उनकी पगड़ी को संभाल करके रखना, तो तेरे पिता की पगड़ी संभली रहेगी, तेरे पिता की पगड़ी संभली रहेगी। और देख, अब से तेरे पिता राजा दशरथ हैं, आज के बाद तेरी माँ कौशल्या रानी हैं, कैकेयी हैं, सुमित्रा है, उनमें हमारे दर्शन करना बेटी, उनमें हमारे दर्शन करना। और यूं बोले कि रहे अटल सुहाग तेरा, ये हो भगवान से विनती, रहे अटल सुहाग तेरा भगवान से विनती, श्री राम और सीता की देवी देव में हो गिनती, श्री राम और सीता की देवी देव में हो गिनती, और अटल सुहाग तेरा भगवान से विनती, श्री राम और सीता की देवी देव में हो गिनती, श्री राम और सीता की देवी देव में हो गिनती। कुलदीप कविता को, कुलदीप कविता को यह बात बतानी है, कुलदीप कविता को यह बात बतानी है, दो कुलों की लाज लाडो अब तुम कौनी बानी है, तेहरी का दिया बेटी कहावत ये पुरानी है, दो कुलों की लाज सीता अब तुम कौनी बानी है, देहरी का दिया बेटी, देहरी का दिया बेटी, देहरी का दिया बेटी, देहरी का दिया बेटी।